नमस्कार। डॉक्टर कुंवर बेचैन लिखते हैं, होके मायूस नयू शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। मित्रों, कुछ इसी प्रकार के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए, जिसे संस्कृत में कहते हैं चरैवेति, यानी चलते रहो, कुछ इसी प्रकार की सोच रखने वाले हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए और आज वो बड़ी पोजीशंस पर हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस सूत्र वाक्य का को ध्यान में रखा कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराएंगे जो ऑनररी काउंसलर जनरल ऑफ मॉन्टेनिग्रो इन इंडिया हैं, यानी मॉन्टेनिग्रो नामक देश की हिंदुस्तान में ऑनररी काउंसलर जनरल हैं। इनका नाम है डॉक्टर जैनिस दरबारी। डॉक्टर जैनिस दरबारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन लखनऊ। इन फैक्ट इट इज माई प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी विद द लवली पीपल ऑफ लखनऊ who have given me so much of love. मित्रों, उसके पहले ये डॉक्टर जैनिस दरबारी से हम उनकी जिंदगी के बारे में जानें, सबसे पहले आपको बता दूं कि मॉन्टेनिग्रो एक छोटा सा देश है जो यूरोप में स्थित है, जो संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, जिसकी संख्या पूरे दुनिया की जनसंख्या का 0.01% है। पहले यूगोस्लाविया के साथ था, फिर सर्बिया के साथ था और 2006 में आजाद हुआ, और मॉन्टेनिग्रो को अंग्रेजी में ब्लैक माउंटेन भी कहते हैं। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दरबारी से जानना चाहेंगे हम कि क्या वो सिमिलैरिटीज हैं मॉन्टेनिग्रो और इंडिया में जो एक दूसरे के करीब लाती हैं उसको, दोनों देशों को। देखिए, दोनों देश जो हैं मॉन्टेनिग्रो और इंडिया, ये इतने प्यारे देश हैं, और अगर हमारे पास एक एड्रियाटिक सी है, इंडिया के पास एक ब्यूटीफुल इंडियन ओशन है, अगर हमारे पास डिनारिक एल्प्स हैं जो एंडिंग होते हैं मॉन्टेनिग्रो में, इंडिया में हिमालयस हैं, तो इन दोनों देशों के बीच में टूरिज्म, जिसे कहते हैं, जिसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ, बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ और कहती हूँ कि इंडिया मॉन्टेनिग्रो के बारे में कुछ करना है, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं। आपके पिताजी भारतीय विदेश सेवा में थे, तो आपका बचपन, आपकी पढ़ाई बचपन में विभिन्न मुल्कों में हुई होगी, लेकिन जब आप युवावस्था में आए और आपने प्रोफेशनल लाइफ को चुना और आप ऑथर बने, राइटर बने, जर्नलिस्ट बने, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे मैंने कहा, मुझे चुनौती स्वीकार करने बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वो एक अंदर से एक जस्तजू पैदा करता है। इसी तरह जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था लंदन में, तो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप के साथ किया था, और एक बहुत अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर तारापद बासु, जो अब की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मेंटर थे, उन्होंने हमको हमेशा बताया कि जब तुम लिखते हो तो वही लिखो जो तुम देख रहे हो। अच्छा, क्या हुआ उस वक्त जब, और उस पेन की जो कीमत है, उसकी जो सच्चाई है, उसको जब तुम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जर्नलिज्म में जो आग है वो लोगों के दिल और दिमाग में लगेगा जी। और जब वो दिल और दिमाग में लगता है तो लोगों का रूह से आप टच करते हैं। तो इसी दरमियान जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी, तो लंदन में एक वर्जिनिटी टेस्ट हुआ हीथ्रो एयरपोर्ट में, ये 1978 की बात कर रही हूँ। और जब ये हुआ तो एज यंग वूमेन, एज जर्नलिस्ट, एक आग बन गई हमारे अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने एमपी को फोन किया, जो रिचर्डसन, मुझे याद है, बिकॉज शी वॉज लाइक अ डायनामिट फायर। वो उन्होंने कहा कि इफ इट वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर्स डॉटर, शी वुड हैव टोल्ड देम दैट दे कांट डू सच अ थिंग। आई मीन, वी ब्रिटिशर्स हैव दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, सो यू इंडियन वुमेन हैव टू हैव द सेम स्ट्रेंथ। तो मैंने बस इसी जुनून को, मैंने कहा वर्जिनिटी टेस्ट, और पूरे साउथ हॉल में लोगों से बात किया और कहा कि यू हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। इसके बाद जब इंदिरा गांधी आई थी लंदन, तो वहाँ से एक इंटरेस्टिंग पहलू शुरू हुआ। वो आए तो शी सेड टू द जर्नलिस्ट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेट एंड सी, थिंग्स विल चेंज। एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड शी इज गोना कम बैक टू पावर। तो लोगों ने कहा तुम क्या लिखोगी, शी इज कमिंग बैक टू पावर, तुम्हारे जर्नलिज्म जैसे शुरू है वैसे ही खत्म हो जाएगा।
मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं लिखूंगी और उनके ऊपर एक किताब लिखूंगी। अब जब हम वापस दिल्ली आए तो पापा तो नेहरू के साथ काम कर चुके थे, ही न्यू इंदिरा गांधी ऑल्सो एंड ही न्यू द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑल्सो। तो क्या हुआ कि हम गए इंदिरा गांधी से बात किए और तब उन्होंने कहा कि पीपल वॉन्ट डाउरी, उस वक्त डाउरी का बहुत बड़ा चीज था, स्पेशल डाउरी सेल। तो आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड, आई सेड दिस वुमन इज कमिंग बैक टू पावर, शी स्पीकिंग लाइक दिस, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग द बुक इंदिरा गांधी 1028 डेज, मतलब शी इज कमिंग बैक टू पावर। आई वॉज वेरी डेफिनेट एंड आई मेड ए फुल पोलिटिकल एनालिसिस। तो naturally when she did come back to power she autographed this book, it was isme jo haqeeqat thi she did not deny it, she autographed it and it was a very big thing because senior journalists wrote, you know, those who read it and who do not like her they will sweat and those who love her they will find it a book of admiration. To ye ek wo ek khud ek shakhs aisi thi jo inspire bhi karti thi ji. To mere I'm very lucky to meet such personalities and to write about them. एक एक्टिव जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई जनिस दरबारी जी ने, इसके अलावा तमाम राजनेताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीब से देखा। इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा दो बार दक्षिण दिल्ली से, तो जरा इनसे जानते हैं कि राजनीति में दिलचस्पी इनकी कब और कैसे पैदा हुई। देखिए राजनीति में हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए नहीं है। और हम तो वैसे ही कंज्यूमर एक्टिविज्म में थे और जब भी RWA के साथ भी जुड़ गए थे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन दिल्ली, और कोई काम नहीं होता था और सड़कें ख़राब थी। अभी 1980 से लेकर के 1998 तक अगर आप समझिए कि सड़कें भी ठीक नहीं हो रही हैं, बिजली भी 8-8 घंटे जा रहा है और हम सब बुढ़े होते जा रहे हैं, मतलब हम लोग सबके बाल सफ़ेद हो रहे थे। तो जब एक RWAs अबाउट 400 RWAs डिड अ वेरी बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमने सबसे यही बोला कि आप लोग कैसे ले सकते हैं ये सब बातें बैठे बैठे। और आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई ब्लॉक एंड सो आई पुट माई फुट डाउन एंड आई सेड कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो हम लोगों के दोस्त हैं और वो दोस्ती के नाते पे हमको गंदी सड़कें देते हैं, तो क्या ये दोस्ती है? क्या ये उनका कर्तव्य हमारी तरफ है कि क्यों हम अपने कर्तव्य वोट दे के दे देते हैं, लेकिन क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है देखने के लिए कि हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? बिजली पानी और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो लोगों ने कहा तुम तो इतनी जुनून से बोल रही हो, तुम ही खड़े हो जा। और फिर मैंने कहा देखिए मैं बोल ही नहीं रही हूँ, अगर आप सोचते कि मुझे खड़ा होना है तो आप लोग मेरी बने, यू हैव टू साइन द प्रपोजल एंड सेकेंडेड। सो दी RWA से दो जिंदाबाद, हम लोग करेंगे। तो सब 10 के 10 RWAs प्रपोजल्स बने और पहली बार जब हम लोग ने जाकर के देखा कि क्या होता है इलेक्शन ऑफिस में, तो एक नई दौर जैसे हम लोगों के बीच में शुरू हो गई कि इट इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। तो जो वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं तो उन्होंने कहा कि आप दो फॉर्म्स भर लीजिए, एक रद्द हो सकता है। तो सब ने कहा हम सबके पास वोटर आईडी है, हम सब वी आर ऑल वोटर्स एंड वी आर गोइंग टू प्रपोज इट एंड वी आर गोइंग टू सेकेंड इट एंड शी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड ये रद्द नहीं हो सकता हमारा पेपर, इतना कॉन्फिडेंस था हम लोगों ने। तो ऑल माई फ्रेंड्स हु वर जर्नलिस्ट एंड द मीडिया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, सब ने कहा जानिस तुमने हिम्मत से जो खड़ी हुई हो, दे गिव हाफ हाफ पेज राइट अप्स लाइक वाइप तुम क्लीन, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, तो कहीं दूसरे ने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स द बेल्स ऑफ जस्टिस, तो पानी ने कहा शी इज स्माइलिंग शी इज केयर फ्री, वो जानती है वो हारेगी लेकिन वो इस मुद्दे को उठा के रहेगी। और देखिए मुद्दा उठाने से क्या फायदा हुआ, हम लोगों को पहली बार पता चला कि इन लोगों के दोनों के एस्टैब्लिश वोट बैंक्स थे, दे वर अबाउट लेट्स से 2,000 families सपोर्टिंग देम, 2,000 families इट ट्रांसलेट्स टू अबाउट 1.5 lakhs परमानेंट वोट्स। और हम लोग जो थे RWAs के, इट वॉज अबाउट 22,000 फ्लोटिंग वोट्स जिसे कहते हैं,
तो इट इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स. वी सेड वेल वी आर पावरफुल एज आरडब्ल्यूएस, सो इफ वी रेज आवर वॉइस एंड वी टेल देम दैट वी विल वोट फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इनका तो दे आर गोइंग टू हैव टू रन फॉर द वोट्स. सो दे न्यू इट. तो हमें उनके पास फोन कॉल्स आए कि आप विड्रॉ करिए. तो हमने कहा हम क्यों विड्रॉ करें, हम तो मुद्दे पे खड़े हुए हैं, आप लोग मुद्दे को सॉल्व कर लीजिए, हम देख लेंगे बाकी इलेक्शंस में हम लोग देखेंगे. तो हम बात कर रहे हैं भारत में मॉन्टेनेग्रो गणराज्य की, जो कि एक संप्रभु देश है, उसकी भारत में ऑनरेरी काउंसिल जनरल श्रीमती डॉक्टर जैनिस दरबारी से. इस समय DDUP पर वो आपसे मुखातिब हैं. तो जैनिस जी, हमें आप ये बताइए कि शुरुआत में हमने आपसे बात की थी मॉन्टेनेग्रो और भारत में समानताओं के बारे में. आपका प्रोफाइल देखने पर ये पता चलता है कि आपकी काफ़ी रुचि रही है विदेश सेवाओं में, और 1993 में रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया के साथ भी आपका ताल्लुक रहा है. तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विदेश सेवाओं में जाने के लिए हमेशा से प्रेरित करती रही है? भविष्य कि क्या होगा लोगों का. अब जब मैं स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई वो प्रधानमंत्री ऑफ मैसेडोनिया से, तो लोगों ने मुझे याद है किरो पिपोस, जो किरो गिलिगोरोव थे, वो जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, मुझे देखकर कहा सिर्फ कि यू विल डू इट. मैंने सोचा उस वक्त मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो करूँगी वो अंतर्राष्ट्रीय खेल को ख़त्म करेगी, इन लोगों को बचाएगी इस मुल्क को. क्योंकि जब मैसेडोनिया बना फायरम, फॉर्मर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, और मैं नियुक्त करी गई स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ मैसेडोनिया टू इंडिया, तो पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कहा वी डोंट रिकॉग्नाइज यू, वी डोंट रिकॉग्नाइज मैसेडोनिया. तो मैंने वो रिकॉग्नाइज कराया. अच्छा, इसमें आप कह सकते हैं भाग्य के साथ आपकी पूरे परिवार भी जुड़ जाता है. जो मैंने किया, चाहे लोगों ने मुझसे कहा आफ्टर, लेखकों ने लिखा इंडिया में कि आफ्टर अलेक्जेंडर इज जैनिस, मतलब उनको भी लगा कि कोई किसी मुद्दे को उठा रही है, शी इज ट्राइंग टू से समथिंग टू इंडिया. ये मेरा मुल्क है इंडिया, और मुझे लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय खेल में लोग कहते हैं कि इंडिया क्यों नहीं, इंडिया ने ऐसे क्यों नहीं किया, तो मुझे लगता है अंदर से, और फिर मैं रिएक्ट करती हूँ, फिर बस ये हो जाता है, वो कुछ ऊपर वाले की किस ब्लेसिंग्स हैं. मित्रों, ब्रिटिश काल में भारतवर्ष में एक स्थान ऐसा था जहां पर अपनी इंडिपेंडेंट सरकार घोषित कर दी गई थी. बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं बात कर रहा हूं बलिया के चित्तू पांडे की. और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस वक्त बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी सरकार की घोषणा किया, जब चित्तू पांडे वहां सक्रिय थे, उस समय जैनिस जी के नाना वहां पर कलेक्टर थे. वो 1923 बैच के इंपीरियल सिविल सर्विस के अधिकारी थे. उस परिवार से हैं जैनिस दरबारी. इनसे हम जानना चाहेंगे इनके नाना की स्मृतियां इनके मन में क्या है. ऐसा है कि जो हमारे नाना जी थे उनसे तो कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन रूह से मुलाकात, या जिसे कहते हैं उससे मुलाकात, तो मेरी माँ ने मुझसे कराई. जब वो कहते थे कि नाना जी ऐसे करते थे वैसे करते थे, बलिया में ये हुआ और हम ट्रेन से कभी पहुंच नहीं पाए बलिया 1942 में, तो मैंने सोचा ये क्या कह रही हैं. अब कह तो रही हैं लेकिन एविडेंस कहाँ है. और जब मैंने रूह की बात की, मैं आपको सच बताती हूँ, माय फादर जस्ट बिफोर पासिंग अवे लास्ट ईयर, ही सेड कि तुमको जैनिस नाना के बारे में लिखना है. तो मैंने मम्मी को ले गई नेशनल आर्काइव्स. अब इसे बोलते हैं तकदीर से मुलाकात. हम वहाँ गए और जो डायरेक्टर म्यूजियम थे, उन्होंने कहा तुम क्या ढूंढ रही हो. मैंने कहा पूरा नेट छान डाला, ICS जेनेगम का कहीं नाम नहीं है. तो उन्होंने कहा अच्छा ICS थे. मैंने कहा हाँ ICS थे. तो उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, तुम वो वहाँ जाओ और ये किताब ढूंढो, उसमें निकलेगा. और मैं गई और वो निकला, नाम निकला, सब उनका बायोडाटा निकला कि वो कैम्ब्रिज गए क्या हुआ, और सब उनका पोस्टिंग्स वगैरह बलिया बलिया सबका एविडेंस आ गया. फिर मैंने अगेन नेट पे ढूंढा, वहाँ पे आर्काइव्स में कोई फाइल नहीं मिल रही थी उनके नाम से, लेकिन नाम फिर एक नाम आया निगम, और फिर उसमें मैंने देखा मिस्टर खान भी थे. तो ये होम मिनिस्ट्री का फाइल था, 1943 का कॉन्फिडेंशियल फाइल ऑफ द होम मिनिस्ट्री, और पूरी कहानी उसमें ब्रिटिश राज
ब्रिटिश ऑफिसर्स की इंक्वायरी पूरी निकली इसमें. आई मीन व्हाट डिड मिस्टर वैडल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु वाज इन गोरखपुर. देन यू हैव नेदरसोल द कमिश्नर ऑफ बनारस. देन यू हैव मोदी हु वाज द चीफ सेक्रेटरी. यू हैव हॉलेट हु वाज द गवर्नर. And you have a list of Britishers, I mean even Winston Churchill, you have everybody who is actually involved in calling it Baghi Baliya. तो इसकी कहानी मैंने सोचा wow, I said, I mean जिसे कहते हैं जब आपके हाथ में ऐसा एक the mystery unfolds, and that too after 75 years, actual history जिसे कहते हैं कि what is it? तो मैंने मम्मी से कहा अब मुझे एक एक पल का मुझे अब बताओ और मैं लिखूंगी इस बात को और इसको आप मुझे डिक्टेट करो क्योंकि मम्मी इज नाउ 91 इयर्स ओल्ड और आई कांट एक्सपेक्ट हर टू सिट डाउन एंड राइट. बट यस आई एम हर डॉटर एंड आई स्टार्टेड पेनिंग इट डाउन फॉर हर. मित्रों हम अपनी बातचीत के अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं. हमारे पास लगभग 2 मिनट का समय है. चलते चलते हम जैनिस जी से जानना चाहेंगे कि भाई ये इनकी हॉबीज क्या है और खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हैं? Well, I love singing, I love dancing, I love art, and I love cooking. बहुत बढ़िया, क्या बात. तो मित्रों आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर जैनिस दरबारी से. डॉक्टर जैनिस दरबारी बेहतरीन राइटर हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट रही हैं और इस समय रिपब्लिक ऑफ मॉन्टेनिग्रो की भारतवर्ष में ऑनररी काउंसिल जनरल हैं. आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर दरबारी को और आप सबको धन्यवाद देंगे कार्यक्रम अपने घरों पर बैठकर देखने के लिए. डॉक्टर दरबारी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दूरदर्शन के लिए इतना वक्त निकाला. मुझे बहुत आनंद हुआ आपसे बातचीत करने में और जैसे मैं कहती हूँ मॉन्टेनिग्रो सेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ मॉन्टेनिग्रो इज वेरी हैप्पी to not only appoint an Indian woman as the first honorary consul general of their country in India, it's something Montenegro looks forward to strengthen the ties between the two countries at every level. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you. नमस्कार.